हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कुकिंग विद आस्था चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मुरमुरे की रेसिपी। आप घर पे कैसे मुरमुरे के लड्डू बना सकते हैं और कितनी क्वांटिटी में आपको गुड़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के अंत में हम आपको एक हेल्थ टिप्स के बारे में बताएंगे, तो आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई ले लिया है, इसे गर्म होने के लिए रख दिया है और इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। यहाँ पे हमने 250 ग्राम के करीब गुड़ ऐड कर रहे हैं। 250 ग्राम गुड़ के अंदर हमें 500 ग्राम के करीब हम मुरमुरे ऐड कर लेंगे। आप बहुत आसानी से 500 ग्राम मुरमुरे जो है वो ऐड कर सकते हैं 250 ग्राम गुड़ के अंदर। पानी के साथ हमने गुड़ को मेल्ट होने के लिए रख दिया है। ये कम से कम आपको 5 मिनट लगेगा ये मुरमुरे की रेसिपी को बनाने के लिए। यहाँ पे हमने गैस की फ्लेम को हाई कर रखा है। गुड़ को हमने बहुत ही अच्छे से मेल्ट होने के लिए रख दिया है। आप थोड़ी थोड़ी देर में देखेंगे कि गुड़ का जो कलर है वो कैसे चेंज हो रहा है और किस पॉइंट पे आपको मुरमुरे ऐड करना है, ये भी हम बाद में जानेंगे। तो आप देख सकते हैं गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो रहा है और कुछ देर में हमने इसे खोलने के लिए रख देना है। लगभग 2 से 3 मिनट पर, अगर आप हाई फ्लेम पर पका रहे हैं तो आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन आपको कंटिन्यू इसको चलाते रहना है। इस वक्त आप देख सकते हैं गुड़ का जो कलर है वो लगभग पीला नज़र आ रहा है। धीरे धीरे इसका जो कलर है वो चेंज होता रहेगा। जब इसका कलर देखने में गोल्डन सा लगेगा आपको, और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैसे ये उबल रहा है और इसका जो कलर है वो पीले से कन्वर्ट होकर के गोल्ड सा नज़र आएगा, उस वक्त हमने ऐड करना है मुरमुरे। इसके अलावा जो दूसरा ट्रिक है जानने का, आप पानी लीजिए, पानी के अंदर जो गुड़ का जो सिरप है वो आप ऐड करेंगे। अगर गुड़ का सिरप जो है वो पानी के साथ मेल्ट हो जाता है तो हम इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे, लेकिन अगर गुड़ का सिरप पानी के अंदर मेल्ट नहीं होता है तो आप समझ लीजिए कि गुड़ की सिरप जो है वो तैयार हो चुका है मुरमुरे ऐड करने के लिए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे कंटिन्यू हम गुड़ को पकाएंगे और इसे हमने लगातार चलाते रहना है। गुड़ का सिरप पहले पीला नज़र आ रहा था, अभी ये गोल्ड सा नज़र आ रहा है। तो लगभग गुड़ का सिरप जो है वो तैयार हो चुका है मुरमुरे को ऐड करने के लिए। गैस को हमने बंद कर देना है, इसके बाद हमने मुरमुरे को ऐड करना है। कंटिन्यू हमें इसे चलाते रहना है मुरमुरे को ऐड करते वक्त। अगर आपको ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है तो आप मुरमुरे की मात्रा को बढ़ा दें गुड़ के अंदर। मुरमुरे को हमने कंटिन्यू ऐड करते रहना है और साथ ही इसे मिक्स करते रहना है गुड़ सिरप के अंदर। मुरमुरे को गुड़ सिरप के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद आप देख सकते हैं हमने एक कटोरी में पानी ले रखा है। इस पानी को दोनों हाथों में लगाते हुए लड्डू हमने तैयार कर लेने हैं। आप चाहे तो पानी की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथ में आप घी लगा सकते हैं और इसके बाद आप लड्डू तैयार कर लें, और या फिर आप चाहे तो पानी का इस्तेमाल करें। दोनों हथेली में पानी को लगा करके मुरमुरे के लड्डू हम तैयार कर सकते हैं। लड्डू बनाते वक्त हम हाथों में घी और पानी का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हाथ में ये मुरमुरे जो है बिल्कुल भी ना चिपके और आप आसानी से लड्डू बना सके। तो इसीलिए हमको हाथ में पानी या फिर घी और या फिर रिफाइंड ऑयल लगाना पड़ता है ताकि ये बिल्कुल भी हाथों में ना चिपके और हम आसानी से लड्डू बना सके। दोस्तों, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन में आपको जानकारी मिलती रहे। आप चाहे तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज हम आपको कुछ हेल्थ टिप्स के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपके घर में गुड़ थोड़ी सी मात्रा में, या फिर आपको ये अंदाज़ा नहीं लग पाता कि कितनी मात्रा में गुड़ ऐड करें और कितनी मात्रा में हमें मुरमुरे ऐड करने चाहिए गुड़ सिरप में, तो आप गुड़ सिरप तैयार करने के बाद थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहें मुरमुरे को और मिक्स करते रहें। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी मात्रा में आपको
मुरमुरे जो है वो ऐड करनी है। लड्डू बन करके दोस्तों तैयार हो चुके हैं एंड आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि वीडियो के अंत में हम कुछ हेल्थ टिप्स के बारे में जानेंगे, तो जैसा कि हमने गुड़ की रेसिपी बनाई है तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुड़ जो है वो हमारी हेल्थ के लिए कई तरीकों से फ़ायदेमंद है। गुड़ जो है वो हमारी बॉडी को गर्म करके रखता है, तो इसीलिए सर्दियों के मौसम में गुड़ का इस्तेमाल आप डायरेक्टली और या इनडायरेक्ट वे से आप इसे ज़रूर यूज़ करें, लेकिन किसी भी चीज़ की यूज़ जो है वो बहुत ही अधिक मात्रा में हो जाए, लिमिट से ज़्यादा, तो वो नुकसानदायक भी होता है। तो गुड़ को आप रेगुलर थोड़ी थोड़ी मात्रा में यूज़ करें, या फिर गुड़ के लड्डू खा सकते हैं, गुड़ के गच्चक भी मार्केट में अवेलेबल है, आप उसे खाएं। ये आपकी बॉडी को हीट करके रखता है और सर्दी से हमको बचाता है।